हाय फ्रेंड्स, तो आज ना मैं आपको थोड़ा सा, देखो बाल गिल्ले मेरे तो मैं आज ना एक छोटा सा हेयर ट्रिमिंग, नॉट कटिंग, हेयर ट्रिमिंग मैं दिखाने वाली हूँ आज कि कैसे करते हैं। आप घर पे कर सकते हो इसको, तो मैं करती हूँ तो मुझे पता है, तो आप भी देखते रहे। हेयर ट्रिमिंग नॉट कटिंग। तो गाइस, जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये मुझे पूरा उल्टा करके पूरा अच्छे से इसको कोम कर लेना है ताकि बीच में कोई भी बाल ना फंसे हो। अच्छे से इसको ऐसे कोम कर लेना है, पूरा पीछे से, साइड से भी पूरा ऐसे सामने लेना है पूरे बाल को अच्छे से। और फिर आप इसको एक रबर बैंड या एक क्लिप, मैं तो क्लिप से कर लूँगी बट रबर बैंड इज प्रेफर्ड, एक रबर बैंड से आप बांध लेना, क्लिप दो। बाल को सिक्योर करने के बाद इसको ऐसे रोटेट करना है, अच्छे से रोटेट करके। अभी क्योंकि मुझे सिर्फ एंड्स ही काटने हैं तो मैं एंड तक इसको रोटेट करूँगी। और ये रोटेट हो चुके, एकदम से प्रॉपर रोटेट करना है जैसे आप देख सकते हो, और एंड से ये कट डन। अभी दूसरे फेस पे चलते हैं, टिश्यू दे जल्दी। तो एक तरफ का हो गया है, विवेक ने तो पता नहीं क्या किया, बट एनीवेज इसको फिर से कोम करके अभी हम इसको दूसरी तरफ वापस ट्विस्ट करेंगे। अभी क्योंकि फर्स्ट चंक में मेजर वो हो निकल गया है एंड्स, तो सेकंड चंक में हमको उतना निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको ऐसे फिर से एंड तक रोटेट करके एंड कट। तो अभी हमने पूरा इसको पीछे करके वापस से सिक्योर कर लिया है और हम वही प्रोसेस दोहराएंगे, वापस इसको रोटेट करेंगे अच्छे से, क्योंकि ये सिक्योर है तो इसीलिए मैं सामने भी बाल लेके काट पाऊंगी। और यहाँ से हो गया कट। वापस से उल्टा रोटेट करके थोड़ा सा ही काटना है वापस इस बार, जैसे कि आप देख सकते हैं एंड्स पूरे अच्छे से ट्रिम हो गए हैं। डेड एंड्स गॉन, स्प्लिट एंड्स गॉन, ऊपर से लेके नीचे तक आप देख सकते हो। बेसिकली ये तो ट्रिमिंग थी तो एंड्स ही मैटर करते हैं, मैंने ऊपर में कोई कटिंग की नहीं है, बट एकदम से शेप अच्छे से आ गया है। हाउ एक्साइटिंग इज दिस गाइस, माय न्यू क्यूट लैम्प शेड, सो क्यूट। ये एक्चुअली मेरे फ्रेंड अक्षत ने मुझे गिफ्ट किया था बंगाली न्यू ईयर पे, और फाइनली मैं घर पे लगा पाई हूँ इसको। तो जस्ट सी हाउ ब्यूटीफुल दे आर लुकिंग। थैंक यू अक्षत। ये कैसा लग रहा है? वेरी नाइस, है ना, बहुत प्रिटी लग रहा है। तो ये हमें गिफ्ट किया है निखिल ने, एंड इसको हमजा बोलते हैं, द हमजा हैंड इविल आई वाला। और ये इसीलिए लगाया जाता है, इसको बेसिकली साइन ऑफ प्रोटेक्शन माना जाता है। तो इसको घर के बाहर दरवाजे के ऊपर, दरवाजे पे, या तो दरवाजे को फेसिंग लगाना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा है, एंड ये बेसिकली इविल मतलब नेगेटिव एनर्जीज को अंदर नहीं आने देती, बुरी चीज़ों को दूर रखती है और पॉजिटिव चीज़ें घर के अंदर आती है, और आपके हेल्थ और वेल्थ दोनों का ख्याल ये रखता है। सो थैंक यू निखिल। देखो धूप आई है आज, बारिश के बाद, इतने दिन बारिश थी, आज थोड़ा धूप आई है। तो देखो बैल्कनी में बैठे धूप से कहा जा रहा है, हैं? धूप से इतर रहे हो बाबूलो, मेरे छोटे बाबूलो धूप से इतर रहे हैं। और ये तो कबूतर देखे पड़ा है, आई एम श्योर देयर इज वन कबूतर ओवर हियर समवेयर, नहीं दिख रहा, पता नहीं क्या दिख रहा है, कुछ नहीं देखता ये बाबुलो। ओ अंदर मत जाओ, ए बाबुलो, सबको धूप से देख, हैं धूप से को कर रहे बाबू, ओ ये बाबू। तो गाइस आज हमने ये मंचूरियन पकोड़े और ये लिवर पोटा फ्राई, ये एक्चुअली लिवर नहीं पोटा फ्राई ही है जो आज हमने मंगाया है,
और ये दहीसर में मिलता है इधर मेरे घर के पास ही। मैं वो स्टॉल में शूट नहीं कर पाई बिकॉज बहुत भीड़ था, तो वहाँ पे शूट करना मुश्किल हो रहा था, तो इसीलिए हमने ये डिसाइड किया कि घर पे आके इसको शूट करेंगे। लाइक यू कैन सी दिस इज मंचूरियन पकोड़ा ग्रेवी, ग्रेवी नहीं है एक्चुअली, मंचूरियन पकोड़ा बोलते हैं इसको, एंड पोटा फ्राई। हमें लग रहा है सॉरी मैं खाने में इतना घुस गई, मतलब रिलिशिंग द टेस्ट गाइस, इतना टेस्टी है कि सच में आई एम एंजॉयिंग एवरी बाइट। पकोड़े जितने क्रिस्प है और उसके साथ अपने वो मंचूरियन का जो सॉस दिया है उन लोगों ने, एंड दिस इज नॉट द टिपिकल शेजवान सॉस और एनीथिंग, दिस इज लाइक गुड मंचूरियन सॉस। उन्होंने पूरा मिक्स किया हुआ, मिक्स किया अच्छे से, एंड गरम गरम एकदम बारिश के मौसम में ऐसे, मतलब चाय के साथ ये मजा आ जाता है, इट्स सो टेस्टी। एंड द पोटा फ्राई, पोटा फ्राई भी हमने अलग जगह से लिया है, पोटा फ्राई भी बहुत ज्यादा टेस्टी है, मतलब यम वाला टेस्टी है, बहुत क्रिस्प है वो भी। अभी जिसको पोटा अच्छा लगता है वो ही पसंद करेंगे, ऑफ कोर्स नॉट मेनी पीपल लाइक पोटा फ्राई, एक्चुअली विवेक को भी पोटा नहीं पसंद, तो जो भी, सो यू नो वी हैव वी हैड दिस एंड इट्स सीरियसली सो टेस्टी। ये जो दुकान है ये यहीं पे है, एग्जैक्टली कहाँ है वो विवेक बताएगा बिकॉज मेरे को वो रास्ते का नाम नहीं पता, तो वहां से लिया है। हाँ पोटा फ्राई यहीं पे मिलता है टोल नाका के पास ही, दहीसर टोल नाका के पास एक छोटा सा ऐसे स्टॉल लेके वो लोग बैठते हैं। वहां पे आपको चिकन मतलब नॉन वेज आइटम्स सारे मिलेंगे, जैसे कटलेट्स हो गया, कबाब्स हो गया, लॉलीपॉप हो गया, फिर ये फ्राई हो गया, ऑल काइंड ऑफ नॉन वेज स्टार्टर टाइप आइटम्स यू विल फाइंड, जो आप मतलब मजे में क्रिस्प क्रिस्प फ्राई आराम से लेके इवनिंग स्नैक्स के लिए बहुत अच्छा होता है, एंड बहुत सस्ता है। इट्स नॉट दैट इट्स लाइक वेरी एक्सपेंसिव, लाइक पोटा फ्राई कम्स फॉर, मैंने तो मतलब 50 रुपीज़ का लिया है, सो विच इज प्रिटी अफोर्डेबल, एंड मंचूरियन भी ऐसे 50 रुपीज़ का है, तो एंड दैट इज लाइक द क्वान्टिटी इज सो गुड। तो मंचूरियन वेज है, और जहाँ पे वेज मिलता है वो वहाँ पे भी आपको कई वराइटीज मिलेंगी वेज की, बट ये वही है कि ये प्रॉपर स्टॉल दुकान मतलब रेस्टोरेंट्स या स्मॉल रेस्टोरेंट्स या वो ऐसे नहीं है, दीज आर लाइक ठेला शॉप्स जो है वहाँ पे, एंड बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बना था। हमेशा हम सोचते कि हाँ ये ठेले नहीं नहीं ये क्लीन नहीं होगा, हाइजीनिक नहीं होगा, नहीं खाना है ये नहीं, बट ऐसा नहीं है, दिस पीपल आर रियली गुड इन मेकिंग दिस, एंड एकदम से क्लीन तरीके से ये बनाते हैं, एंड दे मेक श्योर दैट व्हाट दे गिव यू इज गुड। सो डेफिनेटली मतलब आप लोग ऐसे ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा खरीदने के पहले, इट्स रियली गुड, तो आई थिंक यू गाइस शुड डेफिनेटली 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 ट्राई। टोल नाका के पास ही है, आप लोग जाके वहां पे डेफिनेटली ट्राई करें। मैं ट्राई करूंगी कि वापस से आपको एक बार दिखा दूं दुकान अगर पॉसिबल है, क्योंकि आज जब हम गए थे इतना इतना भीड़ था दैट वी कुडंट, वी वर लाइक कि नहीं यार ऐसे तो शूट नहीं कर सकते, बहुत ही बेकार लग रहा है, तो दैट्स वाई हम लोगों ने सोचा कि नहीं घर पे लाके मंगा के ही हम खाएंगे। तो बहुत टेस्टी है, एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस विथ माई हॉट कप ऑफ टी, एज फॉर अ चेंज आई एम हैविंग टी, तो एक मतलब गरम गरम चाय के साथ ये खाने में तो भी बहुत 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 अच्छा लगने वाला है। सो आई एम गोइंग टू डू दैट एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय माई स्नैक्स, और आप लोग भी एंजॉय करें। आई नो विवेक का ओपिनियन लेना भी जरूरी है, राइट? लेती हूँ, बताती हूँ। विवेक तुम भी एंजॉय कर रहे हो हैं खाना? हाँ, खाना तो छोड़ो, चाय के साथ पोटा फ्राई कौन खाता है? अरे मतलब वो पोटा फ्राई हम मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया अभी, एंजॉय तो मैं मंचूरियन पकोड़े कर रही हूँ। सबसे वियर्ड कॉम्बिनेशन, चाय के साथ। अरे नहीं वो मैं नहीं खा रही हूँ अभी, मैं सिर्फ मंचूरियन पकोड़ा खा रही हूँ चाय के साथ। ठीक है, बट पोटा फ्राई कौन खाता है? अभी नहीं खा रही वो, रख दी मैंने। पोटा तुम खाओ। देखा देखा मैंने बोला था। हाँ तो तुमको मंचूरियन फ्राई कैसे लगा पहले वो? मंचूरियन अच्छा है, रिकमेंड मुझे मेरे किसी एक फ्रेंड ने किया था, बारिश हो रही थी तो उसकी कुछ काम था उसको वहां गया, वो
उसने मुझे फोन किया कि तुम्हारा घर इधर ही है ना दहीसर में। मैंने कहा हाँ, तो कह रहा मैं यहाँ पे हूँ आ जाओ। तो जहाँ वो खड़ा था मैंने देखा वहां से 15 मिनट का रास्ता है। तो इतनी बारिश हो रही थी ऑटो तक नहीं था, मैं नीचे गया था ऑटो के लिए बट फिर वो नहीं बन पाया, तो मैंने उसे बोला कि किसी और दिन मिलते हैं। फिर उसने मुझे बताया कि ये बहुत ही टेस्टी है, ट्राई करना। और अभी मैंने खाया है, सच में टेस्टी है। केतकी पाड़ा में, तो केतकी पाड़ा ही बोलते हैं, तो खा सकते हैं, ऐसा भी बुरा नहीं है। नहीं बट मंचूरियन पकौड़ा बनाया है विच इज लाइक डिफरेंट, हर जगह नहीं मिलता है वो, सो दैट्स अ रियली गुड थिंग। डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे कि अपने व्लॉग में अपने व्यूअर्स को ये एड्रेस दिखा दे कि कहाँ है स्टॉल, मतलब कैसा प्राइसिंग है बाकी प्रोडक्ट्स के एंड एवरीथिंग, बिकॉज आज तो बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाए हम ना, बारिश तो, और भीड़ भी थी कितना, बाप रे बाप, एक ही दिन मिलता है भैया, लूट मची होती है हर जगह। तो बट एनीवेज डेफिनेटली आई होप कि अपना व्यूअर्स भी जाके वहाँ पे ट्राई करें।